दर्शक बंधु श्री अनंत को स्वागत। आज मुझे किसी मंत्र विषय कह जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना तेज शीघ्र सब्सक्राइब करनी कमेंट बॉक्स रे कमेंट दिंतु। आम आपण मान हनुमान चालीसार महत्व विषय किसी कह जाऊ जहाँ को प्रतिदिन आपण मान उच्चारण करने द्वारा आपण समस्त इच्छा पूर्ण होता है। आम समाज में सबुबले हनुमान चालीसा को मान्यता दि जाएगी। एमती भी कहुए कि हनुमान चालीसा पढ़ा द्वारा भगवान हनुमान आम उपर प्रसन्न होते आम उपर खुशी समृद्धि बनई रखी था। किंतु आपण मैंने जानते हनुमान चालीसा एमती किसी खास मंत्र अच्छे जहाँ को उपयोग करें हनुमान विशेष कृपा आपण पर्ची थाए। प्रतिदिन आपण हनुमान चालीसा पढ़ी पारना तेब प्रतिदिन सका श्लोक को पढ़ु यहाँ आपण शोवा पूर्व कि सका उठवा पर पढ़ी पारे। प्रथम श्लोकटी है बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। यहाँ अर्थ होची हे पवन पुत्र मु आपन को स्मरण करुची एवं आपण निकट रे प्रार्थना करुचि कि मते बुद्धिहीन जाणी मो उपरे कृपा ढालंतु मते बल एवं बुद्धि झुकई दियंतु एवं मोर समस्त समस्या को दूर करि दियंतु। द्वितीय श्लोकटी हैला सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना। अर्थात हे हनुमान मु आपणकर शरण रे आसीछि एवं आपण मोर रक्षक अटंती एथिपाई मते काहाकु भय करिवार आवश्यक ही नाही। तृतीय श्लोकटी हैला भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। एहर अर्थ हे हनुमान आपण विशाल रूप धारण करि समुद्र पार करिथिले लंका को जाई राक्षस मानको हत्या करिथिले आउ भगवान रामंक काम संपूर्ण करि फेरि आसीथिले। आपण माने ए मंत्र को पाठ करिबा द्वारा दुख दूर होइथाय आउ घरे सदा सर्वदा सुख शांति लागि रहिथाय। जदि आपणकर हनुमान चालीसा मने नाही तेबे आपण एही तीनटी मंत्र को जप करि पारिबे। दर्शक बंधु आज पे एतिके पुणी देखा हबो आउ एक वीडियो रे। आम वीडियो भल लागिले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे कमेंट दियंतु। धन्यवाद।